उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले पर हाईकोर्ट ने अब 2 नवंबर को सुनवाई करेगा। ऐसे में अब सीबीआई की टीम पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने के लिए दोबारा पहुंच रही है। आपको बता दें कि पीड़िता के गांव में स्थानीय पुलिस से पहले ही पहुंच चुकी है। अब इस मामले पर सीबीआई अपने तरीके से काम करेगी और सबूत जुटाएगी। सीबीआई की टीम क्राइम सीन का दौरा करेगी। जब तक इस मामले की जाँच चलेगी तब तक यहाँ पर अस्थायी कार्यालय बनाकर काम किया जाएगा। जल्द ही पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर जाँच दोबारा से शुरू करी जाएगी। बता दें कि थोड़ी देर में क्राइम सीन पर सीबीआई पहुंचेगी। सीबीआई जांच की टीम के साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में बीते सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अपने सामने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करवाए हैं। हालांकि पीड़ित परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों का कहना है कि अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवंबर के लिए सुनिश्चित की है। राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। वहीं कोर्ट रात में किए गए अंतिम संस्कार को लेकर नाराज दिखा। कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस मामले में मुकदमा दायर करने और घटना की जल्दबाजी और कथित रूप से पीड़ित के अंतिम संस्कार करने को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट न्यूज क्लास। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।